हेलो दोस्तों, डिटेक्शन में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे, अगर आप एक SBI क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी आप इजीली लोन ले सकते हैं, वो भी एक लो इंटरेस्ट रेट पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताया हूँ कैसे आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे दोस्तों आपको क्या प्रोसेसिंग फ़ीस लगने वाली है, कौन से आपको अदर चार्जेस लगने वाले हैं, कैसे आप EMI को पे कर सकते हैं, वो सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी टाइप के वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप सबसे पहले उनको देख सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे SBI क्रेडिट कार्ड ऐप अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो उसे इंस्टॉल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में तीन लाइन दिखेगी, यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, आपको एक बेनिफिट ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे एक इनकेश ऑप्शन भी दिखेगा दोस्तों, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जितने अमाउंट के लिए एलिजिबल रहेंगे लोन के लिए, वो आप अमाउंट यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी 253,000 का मेरा अमाउंट शो हो रहा है, पहले यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का था जिसमें से मैंने 1 लाख इनकेश कर लिया, बाकी अमाउंट का यहाँ पे मैं इनकेश करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इस वीडियो में। जितना भी अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पे इनकेश के लिए एलिजिबल है आप उतना अमाउंट यहाँ पे लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा अमाउंट सिलेक्ट कर लिया, आप जितना अमाउंट यहाँ पे इनकेश करना चाहते हैं उतना आप अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना रहेगा। कंटिन्यू करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड आपको दिखेगा, प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट ईयरली रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। आप यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड सिलेक्ट करेंगे उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लगेगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे मैंने मैक्सिमम अमाउंट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 3,000 है, आपका अमाउंट कम रहेगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो रहेगी दोस्तों यहाँ पे कम रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के अलावा आपको 18% GST भी एक्स्ट्रा यहाँ पे करना रहेगा। जो भी दोस्तों यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करेंगे वो अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे EMI कितनी आपकी रहेगी मंथली, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे 24 महीने के लिए 2 साल के लिए यहाँ पे ये अमाउंट सिलेक्ट किया है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे जो EMI है वो 11,900 के लगभग में। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जिस बैंक में आपको ये अमाउंट चाहिए वो आपको यहाँ पे बैंक ऐड कर लेना है। मेरा पहले से बैंक ऐड था, मैंने पहले भी इनकेश कराया था, यहाँ पे वो अमाउंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसके बाद में सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं जितना भी अमाउंट यहाँ पे बुक करेंगे वो अमाउंट शो रहेगा, कितने महीने के लिए, कितना इंटरेस्ट रहेगा आपका और कितनी आपकी EMI रहेगी। इसके अलावा दोस्तों प्रोसेसिंग फीस रहती है उसमें 18% एक्स्ट्रा GST ऐड रहेगा। ये प्रोसेसिंग फीस दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम जब आप लोन बुक करेंगे उसी समय देना है, इसके अलावा नहीं देना है। इसके बाद में यहाँ पे बैंक डिटेल चेक कर लेना है, जो टर्म कंडीशन है उसे ओके करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP लिखने के बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे लोन अमाउंट बुक हो जाएगा। दोस्तों 2 से 3 दिन के यहाँ पे वर्किंग डे में आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैंने 29 मार्च को यहाँ पे अप्लाई किया था और 30 मार्च को दोस्तों ये मेरे अकाउंट में अमाउंट आ चुका था। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ मेरे बैंक अकाउंट का। यहाँ पे मैंने 29 को अप्लाई किया था और 30 मार्च को मेरा जो भी मैंने लोन बुक किया था वो मेरे अकाउंट में आ गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है उसमें कौन कौन से फीस एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं। दोस्तों ये मेरे क्रेडिट कार्ड बिल का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे दोस्तों मैंने अमाउंट जो बुक किया था वो मार्च में किया था और मेरा जो बिल जनरेट हुआ है वो नेक्स्ट मंथ में हुआ 21 अप्रैल को। दोस्तों इसके बाद में 20 दिन मिलता है इस क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। इस बिल में सारी मेरी EMI ऐड है, कौन कौन से चार्जेस लगे मुझे लोन बुक में वो सारे यहाँ पे डिटेल ऐड रहेगी। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट इस SBI ऐप से हम इस अमाउंट को पे कर सकते हैं या फिर दोस्तों वीडियो के अबाउट में मैं लिंक दिया हूँ क्रेडिट ऐप की, जहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड को इजीली मैनेज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नीचे में सारी डिटेल रहेगी कौन कौन से अमाउंट का, ये देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल है। इनकेश अमाउंट जो था यहाँ पे 253,000 था, उसमें फीस कितना लगा है 3,000 रुपये। इसके अलावा इसमें 18% एक्स्ट्रा GST ऐड है जो कि 1253 रुपये में यहाँ पे ऐड है।
जो मेरा क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस था वो भी यहाँ पे 500 रुपये, उसका भी 18% एक्स्ट्रा GST लगा है। नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं, पहले मैंने जो इनकेश किया था 1,00,000 रुपये, उसकी यहाँ पे 4,700 रुपये के लगभग में EMI आ रही है, उसमें 925 रुपये इंटरेस्ट रेट रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट। और अभी जो मैंने बुक किया था उसका यहाँ देख सकते हैं 2,53,000 का जो EMI हो 11,942 रुपये के लगभग में, इस 11,942 रुपये में दोस्तों 2,537 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट पे दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा 18% GST लगता है, वो दोस्तों यहाँ पे जो 1,253 रुपये हैं ऊपर में एनुअल फीस चार्जेस में कि नीचे में IGST जो 18% है वो सारा इसके अंदर एड है। यानी कि आपको दोस्तों जब भी आप लोन बुक करें क्रेडिट कार्ड से, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देना रहेगी, उसमें 18% GST रहेगा। इसके अलावा कि जो भी EMI मंथली बनेगी उस EMI में प्रिंसिपल के अलावा जितना भी आपका इंटरेस्ट रहेगा उस इंटरेस्ट पे भी आपको 18% एक्स्ट्रा GST एड रहेगा, उसका भी आपको चार्जेस देना रहेगा। तो इस साइड से सारी आपकी जो बिल रहेगा उसमें डिटेल रहेगी, इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों आपके बिल के स्टेटमेंट आप नीचे देखेंगे तो आपका जो भी इनकेश रहेगा उसकी सारी डिटेल रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मेरे इनकेश है, एक मैंने फरवरी में किया था और एक अप्रैल में किया था, वो सारी यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। इस टाइप से आपके भी जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, कितना अमाउंट आपने यहाँ पर बुक किया था, अभी कितना अमाउंट आपका बचा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2,53,000 का अभी जो बुक किया था उसकी फर्स्ट EMI दोस्तों यहाँ पर थी 11,942, जिसमें कितना इंटरेस्ट रहेगा, इस इंटरेस्ट पे 18% IGST जो लगता है वो एक्स्ट्रा में आपके बिल में ऐड रहेगा। यही सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा चार्जेस देना है, इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना रहता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आप सबसे पहले उनको देख सकेंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।